हाय फ्रेंड्स, दिस इज आमिर खान और आप देख रहे हैं सोयल एंड आमिर खान। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के नए टैब इंसर्ट टैब के बारे में। इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी कमांड आते हैं सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपने एमएस एक्सेल का होम मेनू नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इंसर्ट टैब बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कि एमएस एक्सेल में इंसर्ट टैब क्या होता है। चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कुछ नया जानते हैं। सबसे पहले आप अपने एम एस एक्सेल को ओपन कर लीजिए। आज के वीडियो में हम इंसर्ट मेनू के सभी कमांड के बारे में लाइन बाय लाइन जानेंगे। इसमें से पहला पाइवट टेबल है। पाइवट टेबल की डेफिनेशन, हम उस पर अपना कर्सर रखेंगे तो उसकी डेफिनेशन भी सामने आ जाएगी। जैसे कि लिखा है, क्लिक हियर टू समराइज डेटा यूजिंग ए पाइवट टेबल और टू इंसर्ट ए पाइवट चार्ट। तो आप सबसे पहले कोई टेबल बना लीजिए। जैसे कोई मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बना ले रहा हूँ। इसमें नेम लिख लिया मैंने, किसी का नाम लिख लेता हूँ मैं। पहला सोहेल हो गया, दूसरा आमिर हो गया, थर्ड साहिल हो गया। ऐसे खुद कोई भी रिकॉर्ड आप बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। उसके बाद सैलरी, उसकी मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे सोहेल की सैलरी 20,000 हो गई, आमिर की सैलरी 35,000। आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। और फैजान की सैलरी कुछ लिख देता हूँ मैं, जैसे 40,000 फैजान की सैलरी हो गई। और यहाँ पे सैलरी ऐड कर लीजिए। जानते हैं पाइवट टेबल का यूज़ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखे हुए ड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए और पाइवट टेबल पे क्लिक करिए। पहला ऑप्शन देखेंगे पाइवट टेबल, और इसमें देखिए पाइवट चार्ट भी है। मैं पहले पाइवट टेबल के बारे में बताता हूँ। इस पर क्लिक कीजिए और एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और यहाँ से आपकी जो भी डेटा है वो हट चुकी है। तो आप उसे लाएंगे कैसे, जैसे यहाँ नेम लिखा है तो आप नेम पे क्लिक कीजिए। देखिए वो एक रो में नेम आ गया। और सैलरी आप नहीं आ रहा तो सैलरी पे क्लिक करेंगे, देखिए सैलरी आ गया। आप यहां से इस बटन पे क्लिक करके आप इसे ए टू जेड के हिसाब से सेट कर सकते हैं, या जेड टू ए के, मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं जेड से ए के सीरीज में लगा दिया तो पहले एस है, फिर एफ है, फिर ए है। यहाँ से आप कुछ चेंज कर सकते हैं। और इसमें देखिए ग्रैंड टोटल भी है। और जैसे ही इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ दो ऑप्शन आपको और मिलेंगे। पहला है ऑप्शंस और दूसरा है डिज़ाइन। इसमें ऑप्शन में भी कई कमांड है आप में, और डिज़ाइन में भी इसमें कोई भी डिज़ाइन आप दे सकते हैं। जैसे ये जो आपको पसंद है उसमें आप कलर दे सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें बैंडेड रो दे सकते हैं, बैंडेड कॉलम्स दे सकते हैं। देखिए कॉलम्स आ गए। आपको अच्छा ना लगे तो उसको हटा भी सकते हैं, इसे अनटिक कर दीजिए, इसे भी अनटिक कर दीजिए। देखिए हट चुका है। इसमें आपको रो कॉलम या हेडर नहीं चाहिए तो उसको रो हेडर में भी हटा सकते हैं। तो रो हेडर हट गया आपका, कॉलम हेडर भी अनक्लिक करेंगे तो वो भी हट जाएगा। अगर इसे वापस लाना है तो आप इस पर टिक करके वापस भी ला सकते हैं। तो ये होते हैं रो हेडर और रो कॉलम्स। तो आप ये होते हैं पाइवट टेबल। नेक्स्ट है टेबल। टेबल क्या होता है, क्रिएट ए टेबल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर डेफिनेशन देगा, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+T। क्रिएट टेबल टू मैनेज एंड एनालाइज रिलेटेड डेटा। इसका यूज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आप अपने शीट में कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ एरिया जितने में आपको वर्क करना है। देखिए मैं इतना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब इसे टेबल में कैसे चेंज करेंगे,
तो इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको टेबल पर क्लिक करना है और फिर यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएट टेबल के नाम से, उस पर आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो शीट है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है और इसमें कुछ हम डेटा फिल कर लेते हैं। जैसे पहले नेम लिखते हैं, नेम, उसके नीचे कुछ लोग का नाम लिख लेते हैं, जैसे सोहेल लिख लिया मैंने, अगर नामिर, थर्ड साहिल, फोर्थ सलमान, ऐसे कि कोई भी डेटा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में उनकी सैलरी लिख सकते हैं हम, सैलरी लिख के मैंने कि वो सैलरी रख दी, 20,000 इनकी हो गई, 10,000 इनका हो गया, 4,000 साहिल का और 40,000 सलमान का। थर्ड कॉलम में भी आप कुछ ज़्यादा डेटा बना दे तो दे सकते हैं, जैसे इनकी एज कितनी है और बहुत सारे डेटा आप दे सकते हैं। तो ये होते हैं टेबल। तो इस टेबल में आप ऊपर देखेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 के नाम से एक रो बन के आ रहा है, इसे हटा भी सकते हैं अगर आपको इतना अच्छा लगे। आपको इस बटन पे क्लिक करना है और इस पर आप A to Z, जैसे भी मैंने पाइवट टेबल में बताया था कि आप A to Z लिख सकते हैं, Z to A लिख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉलम को हटाना है तो आपको डिज़ाइन में क्लिक करके हेडर रो को अनटिक करना होगा, तो ये कॉलम हट जाएगा। अगर आपको बाद में ये कॉलम चाहिए तो आप इसी को टिक कर देंगे तो देखिए वापस आ जाएगा। और इसमें जैसे आपको इनकी सैलरी टोटल करनी है तो ये टोटल वाले डिज़ाइन में आके टोटल रो को कीजिए, उनके नीचे टोटल का ऑप्शन ये देखिए आ गया है। पेंडेंट रो अगर चाहिए तो आप टिक कीजिए, नहीं चाहिए तो आप अनटिक कर दीजिए। और इसमें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और बैंडेड कॉलम, देखिए आपको अच्छा लगे जो वो टिक कीजिए, नहीं तो अनटिक रहने दीजिए। और इसमें कुछ डिज़ाइन भी होते हैं जो आप इसे जो आपके टेबल को कुछ अच्छा बना देगी, देखिए ये मैंने दे दिया। तो ये होते हैं टेबल। अगर आप इस डेटा में जिससे आप बहुत बड़ी शीट बना रहे हैं तो डेटा बना रहे हैं इसमें जैसे कुछ डुप्लीकेट हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ डुप्लीकेट है तो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अब हमने टेबल देख लिया, नेक्स्ट है पिक्चर। पिक्चर का आप यूज़ कैसे करेंगे, आपको पहले इस पिक्चर पे क्लिक करना है। आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर चाहिए आप पिक्चर पे क्लिक कीजिए और जहाँ भी कोई आप फोटो पिक्चर रखें उसमें जाइए। इसमें डाउनलोड में जा रहा हूँ और आपकी फ़ोटो जहाँ भी रखी है उसको उठा लीजिए। तो देखिए ये खुल के फ़ोटो आपके सामने आ जाएगी, इसे आप थोड़ा एडजस्ट करके छोटा कर लीजिए। ये देखिए पिक्चर को आप छोटा भी कर सकते हैं, आप इसे अपने हिसाब से सेट कीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं उसे भी आप दे सकते हैं, तो आप जैसा अच्छा करें आप उसे इफेक्ट दे दीजिए। और आपको जैसे इस पिक्चर का वाटर वो बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप कैसे करेंगे, उसका भी ऑप्शन है, आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको एरिया मांगेगा, आप कितना रिमूव करना है आप उतने को सेलेक्ट कीजिए, जैसे मुझे इतना करना है। ये सेलेक्ट हो गया और यहाँ से कीप चेंज पे क्लिक कर दीजिए, देखिए बैकग्राउंड इरेज हो गया। आप जितना को सेलेक्ट किए रहेंगे उतने बैकग्राउंड इरेज होगा, आप इसे कहीं भी रख सकते हैं। और इसमें कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं, ये फोटो इफेक्ट है देखिए, अब जिसको जैसा अच्छा आपको लगे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। तो ये होते हैं रिमूव बैकग्राउंड भी। इसमें न्यू अपडेट है MS Word 2010 में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इंसर्ट में क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट का यूज़ हम किसी भी इमेज को सर्च करने के लिए कहते हैं, जैसे आप रोज़ सेलेक्ट कर लीजिए, मतलब सॉरी टाइप कर लीजिए और गो पे क्लिक कीजिए, देखिए आपके सामने बहुत सारे रोज़ के फ़ोटो आ जाएंगे, आप इसे बस क्लिक कीजिए
इस क्लिक करते ही ये आपके शीट पे अप्लाई हो जाएगा, आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए मैंने दो बार गलती से कर दिया तो दो फोटो आ गई, आप इसे एक बार करिए एक ही बार आएगा। ये फोटो भी आप लगा सकते हैं सर्च करके। और इसके बाद इंसर्ट में है शेप्स, अगर आपको कोई भी शेप चाहिए इस शेप पे कमांड पे क्लिक करके आपको यहाँ बहुत सारे शेप मिलेंगे, या आप एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि इसमें शेप कैसे यूज़ किया जाता है, तो आप शेप कमांड का यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल ले लिए और यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, तो देखिए इसमें आप लिख भी सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए, एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और इसके अंदर आप कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं और इसे एक जगह से दूसरी जगह पर रख भी सकते हैं। तो ये है शेप टूल। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का यूज़ आप कैसे करेंगे, कोई भी डेटा को थोड़ी अच्छी तरीके से दिखाना ही स्मार्ट आर्ट का यूज़ होता है। जैसे स्मार्ट आर्ट पर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स आपको मिलेंगे, आपको जो पसंद है वो आप ले सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ और ओके पे क्लिक कीजिए। अब जैसे ही करेंगे आपके सामने ये खुल के आ जाएगा, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने रेड लिख दिया, इसमें ब्लू, इसमें पिंक, और इसके बारे में आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कलर मोड का नाम कुछ होता है, जैसे कुछ कलर होते हैं जिसका कोड होता है, आप उसका कोड भी लिख सकते हैं। ये होते हैं स्मार्ट आर्ट को, स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कि अपने आप डेटा को थोड़ी अच्छी तरीके से किसी के सामने दिखा सकते हैं। और यहाँ से कुछ नए स्मार्ट आर्ट भी देखिए आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे इफ़ेक्ट मिलेंगे आपको। ये देखिए इसको करेंगे तो ऐसा लगेगा एकदम 3D इफेक्ट में। आपको जो अच्छा लगे आप उसे क्लिक करके अपने स्मार्ट आर्ट से अपने डेटा को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीनशॉट। ये आपको एमएस एक्सेल 2010 में ही देखने को मिलेगा, ये 2007 या 2003 में नहीं होता, ये 2010 में 13 में 18 में ही पाया जाएगा। तो इसका यूज़ आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। एक शीट मैंने ले लिया और स्क्रीनशॉट, आप इस किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है आप इस पर क्लिक कीजिए और स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज बंद हो जाएगा। आपको जो भी पेज का स्क्रीनशॉट लेना है एमएस एक्सेल के ठीक पीछे वही पेज होना चाहिए। जैसे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं देखिए मुझे बस इतना चाहिए, तो इसको क्लिक कीजिए और ये देखिए स्क्रीनशॉट होके आ गया। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, इसे थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ये होता है स्क्रीनशॉट। ये एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल के 2010 में आपको नया मिलेगा। नेक्स्ट है कॉलम। अब कॉलम का यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कॉलम पे क्लिक कीजिए और बहुत सारे कॉलम्स आपको मिल जाएंगे, आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मेरा कोई भी डेटा यहाँ पे एंट्री नहीं है तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ रहा है। तो सबसे पहले हम कोई एंट्री कर लेते हैं, जैसे नेम, नेम हो गया, और चार पांच तो नेम लिख लीजिए, साहिल हो गया, सलमान हो जाए, फैजान हो जाए, और इनकी सैलरी हम लिख लेते हैं। सैलरी 2000, 1000, कोई भी आप सैलरी एग्जांपल के तौर पे हो जाएगी। और इसको आप एक कॉलम के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट में जाइए और कॉलम्स पे क्लिक करके कोई भी एक कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए
आमिर की सैलरी 2000 है, इसमें भी देखिए आमिर की सैलरी 2000 है। अपने डेटा को एक कॉलम्स या रोस चार्ट के रूप में दिखाना ही इसका काम। तो इस तरह आप कॉलम्स को सेट कर सकते हैं, जैसे आमिर की सैलरी 2000 है तो देखिए इसमें 2000 बता रहा है, सोहेल की सैलरी 1000 है तो देखिए 1000। और इसमें बहुत ऑप्शन मिलेगा, लाइन, पाई चार्ट, बार, एरिया, आप जिस पर क्लिक करेंगे, जैसे लाइन के रूप में देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, देखिए लाइन के रूप में आपको बता रहा है। तो चार्ट के रूप में करना है तो देखिए चार्ट के रूप में आमिर की सैलरी इतनी है, सोहेल की इतनी है, चार्ट के रूप में हो गया। बार के रूप में ये बार के रूप में बता रहा है, और ये पॉइंट के रूप में आपको बताएगा, और ये अदर से बहुत सारे आप इसको प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। इसके बाद है हाइपरलिंक, ये आपको मैंने एमएस वर्ड में ही बता दिया है। आप ये नहीं देखे हैं एमएस वर्ड का वीडियो तो आप जाके एमएस वर्ड का वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी वीडियो मिलेगी, और वहीं से एकदम सेम हाइपरलिंक है। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके आप कोई भी कहीं भी क्लिक करके आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे मैं आज आप लिख सकते हैं, वैसे रिमूव करके कहीं रख भी सकते हैं। तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। इसके बाद हेडर फुटर, हेडर फुटर का प्रयोग आप जानते ही हैं, एमएस वर्ड में मैंने इसको बताया था। हेडर का प्रयोग होता है किसी भी हेडिंग को देने के लिए, जो कि आपके हर पेज पे चल जाए, और फुटर कि हर पेज नंबर को देने के लिए फुटर का होता है। नेक्स्ट है वर्ड आर्ट, एक वर्ड आर्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कुछ लिख सकते हैं। इसमें वर्ड आर्ट का प्रयोग किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से लिखने के लिए किया जाता है, इसे आप मूव कर कहीं रख भी सकते हैं, ये होता है वर्ड आर्ट। इसके बाद सिग्नेचर, ये ऑप्शन आपको हर जगह ऑन नहीं मिलेगा, तो इसका यूज़ हम बता भी नहीं सकते। तो नेक्स्ट है इक्वेशन, इक्वेशन का प्रयोग जैसे आप एमएस वर्ड में देखे हैं कि इक्वेशन का प्रयोग हम करते हैं, इसी तरह इस पर क्लिक कीजिए और इक्वेशन को आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये देखिए सेलेक्ट करके आप मूव करिए और इक्वेशन को टाइप करिए। नेक्स्ट है सिंबल्स, आप यहाँ से कोई सिंबल्स भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस, रजिस्टर्ड, कॉपीराइट और बहुत सारे रुपीस सिंबल यहाँ से आप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एमएस वर्ड में पढ़ा है। सेम ये सब आपको कमांड मिलेंगे, आप बस रिवाइज करते रहिए और आगे देखते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल सुहेल एंड आमिर खान को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।